नमस्कार, BSCIPF की श्रृंखला में आपका फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम जिस विषय के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो अलग ज़रूर है लेकिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो मतलब सेवानिवृत्ति से जुड़ा। यदि हम आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं या रिटायर हो रहे हैं तो जो कोई भी कॉर्पस है, जो कोई भी पेंशन की अमाउंट हमें मिलेगी उसका विनियोग कहाँ करना चाहिए, किस तरीके से होगा, इस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन इसको रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं कहते। यदि हमें सेवानिवृत्ति का नियोजन करना है तो हमें आज से 20 साल पहले चालू करना होगा। लेकिन आज हम चर्चा करने वाले हैं कि यदि आज हम सेवानिवृत्त हो रहे और हमारे पास कुछ पैसा है, एक जमा पूंजी जिंदगी भर के कमाई की अगर हमारे पास उपलब्ध है तो उसका विनियोग किस तरीके से किया जाए, क्योंकि जैसे ही उम्र बढ़ती है वैसे जोखिम लेने की क्षमता कम हो जाती है। अब कमाने वाला नया पैसा नहीं होगा, अब जो पैसा है इसी को अच्छे तरीके से हमको आखिरी तक निभाना है। ऐसे परिस्थिति में आने वाले कुछ सत्र में हम अलग अलग विषयों पर चर्चा करेंगे, अलग अलग स्कीम्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं फिक्स्ड इनकम ऑप्शन, क्योंकि अब हमें फिक्स्ड इनकम चाहिए जो रिटायर हो रहे हैं उनके लिए। सो इसमें सबसे पहली चीज़ आज हम चर्चा करेंगे वो मतलब सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। ये क्या होती है, क्योंकि जब हम रिटायर होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं, फिर पेंशन कैसी मिलेगी, महीने का खर्चा कितना होगा, सेविंग्स कितने, एसेट्स कितने, सोशल सिक्योरिटी है नहीं है, ये सारी चीज़ों के बारे में हमको चर्चा करनी होती है। आइए जानते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में। जब हम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड सेविंग स्कीम इंस्ट्रूमेंट है, ये सरकार मान्य है। 60 से ऊपर उम्र है तो इसका आप लाभ ले सकते हैं। यदि आप VRS ले रहे हैं, वॉलंटियर रिटायरमेंट सिस्टम स्कीम ले रहे हैं, जल्दी रिटायर होने का मानस है, तो 55 से 60 के बीच भी इसका आप लाभ ले सकते हैं। कहाँ कहाँ पर उपलब्ध होगा ये, बैंक्स में, पोस्ट ऑफिस में ये उपलब्ध होगा। इसको 5 साल का लॉक इन है, पैसा एक बार डालेंगे तो 5 साल वहाँ पर लॉक रहेगा। 3 साल का एक्सटेंशन कर सकते हैं, मतलब 5 साल का अवधि खत्म हो गया फिर सोच सकते 3 साल वापस इसी रेट पर हमें कंटिन्यू मिलता रहे तो एक ही बार एक्सटेंशन करने की अनुमति है, 3 साल का एक्सटेंशन ले सकते हैं। 7.4% का ब्याज बोला है, 7.4% का ब्याज बोला है। इंटरेस्ट हर क्वार्टर में, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे जैसे होंगे G-Sec के, उसके हिसाब से इसके भी इंटरेस्ट रेट्स बदल सकते हैं, तो वो हर क्वार्टर को एक बार रिसेट होगा। एक बार पैसा लेकिन जिस परसेंट पर आपने डाल दिया, आज यदि डाल रहे 7.4 पर डाल दे तो 7.4 ही आपको 5+3 अगर एक्सटेंड किया तो उतना ही रिटर्न मिलेगा। पे आउट फ्रीक्वेंसी ये क्वार्टरली रहेगी, हम जो ब्याज मिलेगा वो क्वार्टरली हमको बाहर निकाल पाएंगे हम लोग। जो कुछ भी इसमें लाभ होकर हमें पैसा मिलेगा, अगर हम पैसे बाहर नहीं लिए और एक साथ हमने पूरा का पूरा पैसा मुद्दल प्लस ब्याज ऐसा लिया है, तो इंटरेस्ट इनकम इज फुल्ली टैक्सेबल, इस पर अपने को टैक्स देना ही पड़ेगा। लेकिन क्योंकि इसको 5 साल का लॉक इन, तो अंडर सेक्शन 80C 1.5 लाख तक का बेनिफिट इसमें मिलेगा और जो कुछ भी इंटरेस्ट पर टैक्स रहेगा वो TDS वगैरह सारी चीज़ें उसको लागू रहेगी। एक व्यक्ति 15 लाख तक का निवेश कर सकता है, 15 लाख वो और 15 लाख उसका स्पाउस, आदमी है तो बीवी, बीवी है तो पति, ये 15-15 लाख कर सकता है। रिटायरमेंट का बेनिफिट जब भी कभी मिलेगा, पेंशन होगा, ग्रेचुटी होगी, वो जब वो मिलेगी उसको आपको कम से कम यहाँ पर आपने दिया है कि ये तुरंत आपको जितना पैसा मिला है उसके कुछ ही समय के भीतर आपको ये पैसा निवेश करना है और ये जितना आपको रिटायरमेंट का बेनिफिट मिला है उससे ज़्यादा आप निवेश नहीं कर सकेंगे। इसमें पैसा अगर पहले प्रीमैच्योर करना है तो 1 साल के बाद यदि प्रीमैच्योर कर रहे तो 1.5% की पेनल्टी लगेगी, 2 साल के बाद कर रहे तो 1% की पेनल्टी लगेगी। 3 महीने का इन्होंने दिया है कि 3 महीने में ही रिटायरमेंट बेनिफिट ये निवेश करना है और 15 लाख आपके 15 लाख स्पाउस के निवेश कर सकते हैं। 15 लाख पर 7.4 मतलब 1,11,000 और क्वार्टर का 27,750 रुपये इतना ब्याज आपको मिलेगा। आपको हमारे सत्र पसंद आ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारे सत्र आपके लिए BSCIPF और SEBI लेकर आ रहा है, तो उन्हें धन्यवाद बोलना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में अपना नाम और ईमेल एड्रेस जरूर लिखिए और यही विषय इंग्लिश और मराठी में भी उपलब्ध है, यूट्यूब चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। धन्यवाद।